हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई फिटर क्विज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनपीसीआईएल फिटर टेट का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम डेट आपका 11/6/2019 को लिया गया था एग्ज़ाम। तो फ्रेंड, उसी का हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि जो इसका टोटल मार्क्स था फ्रेंड 150 मार्क्स था। यदि टाइम ड्यूरेशन की बात करें हम लोग, तो आपका 120 मिनट दिया गया था फ्रेंड्स। तो उसी को हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स। तो समय को न गंवाते हुए चलते हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 1 इंच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, या 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि एक माइक्रोमीटर हैज एरर ऑफ टू प्लस 0.02 मिलीमीटर। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन द मिलीमीटर वेन द माइक्रोमीटर रीड्स 25.41 मिलीमीटर। बोलता है कि एक माइक्रोमीटर में आपका पॉजिटिव इरर है जो कि प्लस में है 0.02 मिलीमीटर फ्रेंड्स, और यदि उस माइक्रोमीटर से मेजर किया जाता है, इतना रीडिंग दे रहा है, तो इसका एक्चुअल रीडिंग क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव के लिए जो इरर रहता है उसको माइनस कर लेते हैं, और जो निगेटिव में रहता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं फ्रेंड। तो जैसे ही आपका 25.41 है, इसमें आप 0.021 माइनस कीजिएगा तो 25.39 आएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा कि वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार। द वी ब्लॉक यूजली एज एन एंगल ऑफ, मतलब कि वी ब्लॉक का प्रयोग हम लोग गोल छड़ को पकड़ने के लिए करते हैं। तो जो वी शेप बना हुआ था उसका एंगल क्या होता है फ्रेंड्स। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 90 डिग्री एंगल रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग इन ड्रिल होल इज कॉल्ड, मतलब कि एक ड्रिल होल किया हुआ है, उसमें हम लोग थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स। तो उसको हम लोग टैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैपिंग बोलेंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइल्ड ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, मतलब ग्राइंडिंग के समय किसका प्रयोग करना अति आवश्यक है। क्या डार्क ग्लास स्क्रीन, सेफ्टी गॉगल, वेल्डिंग हेमलेट या सनग्लासेस। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेफ्टी गॉगल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा है कि बीरिंग हैज द नोमेनक्लेचर 6310Z, हेयर इज 10 इज रिलेटेड टू, मतलब कि 10 बियरिंग के क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आपका ये इनर डायमीटर को शो करता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि द क्वालिटी कंट्रोल अलाउ एट द मोस्ट 0.4% दिया गया है डिफेक्टिव पार्ट्स। हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन द प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स, मतलब कि 100 में आपका 0.04% दिया गया है फ्रेंड्स। डिफेक्टिव के लिए आपको छूट दिया गया है। यदि 500 प्रोडक्शन करना तो कितना परसेंट आपको छूट मिलेगा, जिसमें आपको 0.4% निकाल लीजिए, तो आपका इसका राइट आंसर निकल के आएगा 2 आएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड इज। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 इंच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन द फ्लेंज कपलिंग ज्वाइंट, मतलब कि फ्लेंज कपलिंग ज्वाइंट में सबसे कमजोर भाग क्या होता है। क्या फ्लेंज होता है, शाफ्ट होता है, की होता है या बोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका की हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर।
मतलब कि यांत्रिक शक्ति के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? क्या जंजीर, बोल्ट, सॉरी बेल्ट, कपलिंग या ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रस्ट इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ आयरन एंड डॉट डॉट, मतलब कि आयरन और किसको मिलने से मेरा रस्ट बनता है, जंग लगता है। तो आपका फ्रेंड्स O2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया अगला क्वेश्चन कि द पेन ऑफ क्रॉस पिन हैमर इज, मतलब कि क्रॉस पिन हैमर के पिन होता है क्या हैंडल की ओर झुका होता है, हैंडल की क्रॉस की ओर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैंडल के क्रॉस में होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ब्रास इज एलॉय ऑफ, मतलब कि ब्रास किसका मिश्रण है। अब जैसा कि जानते हैं कि कॉपर प्लस जिंक को हम लोग ब्रास बोलते हैं, यानी पीतल बोलते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू इन माइक्रोन, यानी 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन होता है? फ्रेंड्स आपका 1000 माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि एक कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड लार्ज अ होल इज नोन एज, बोलता है कि एक छिद्र को प्रसिकृत करने और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या ड्रिल बोलते हैं, टैप बोलते हैं, या रीमर बोलते हैं, या डाई बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग रीमर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन ड्रॉन इन टू वायर इज अ मेजर ऑफ इट्स, मतलब कि धातु के तार जैसे बनाने की क्षमता के गुण को क्या कहते हैं? क्या डक्टिलिटी कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं, मेबिलिटी कहते हैं, या हार्डनेस कहते हैं? तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स मेबिलिटी से। पूछता है क्वेश्चन कि एक धातु को पतली चादर के रूप में ताना जा सकता है या चादर बनाया जा सकता है किस गुण के कारण? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मेबिलिटी के कारण हो सकता है, होता है सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, मतलब कि 90 डिग्री से कम एंगल वाले कोण को क्या कहते हैं? क्या अधिक कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, सम कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग यूनिट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब कि एंगल मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्या रेडियन है, या सेकंड है, या मिनट है, या डिग्री है? तो फ्रेंड्स आपका रेडियन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड सिंबल वी रिप्रेजेंट, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील में आपका वी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ग्रेन साइज, ग्रेड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, या एब्रेसिव ग्रिट साइज? तो फ्रेंड्स ये आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी और रिमूवेबल टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त प्रकार का ज्वाइंट है? क्या वेल्ड ज्वाइंट जल्दी हट सकता है, या रिवेटेड ज्वाइंट, या ब्रेज ज्वाइंट, या बोल्ट ज्वाइंट? तो फ्रेंड्स हम लोग बोल्ट ज्वाइंट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग अ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? क्या सिलिकॉन कार्बाइड, या लेड सल्फेट, या सोडियम क्लोराइड, या कैल्शियम कार्बोनेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि द प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विद द लूज डस्ट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव इज नोन एज, मतलब कि ढीले धूल प्रकार के एब्रेसिव सूक्ष्म कणों का प्रयोग करके ग्राइंड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या होनिंग बोलते हैं, या पॉलिशिंग बोलते हैं, या लैपिंग बोलते हैं, या बफिंग बोलते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग उसको बफिंग बोलते हैं। यदि डस्ट टाइप की खाली बात किया जाए तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ लैपिंग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ लूज डस्ट की बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बफिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल इज, मतलब कि सामान्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु रखा गया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका 180
80 डिग्री रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेन साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेट बाय नंबर, वेरी ग्रेन साइज इज इंडिकेट बाय नंबर। मतलब कि फ्रेंड्स पूछा है कि ग्राइंडिंग व्हील के कणों के माप संख्या में सूचित किया जाता है, ठीक है। बहुत बारीक कोण मापने के लिए कितना अंक से सूचित करते हैं, क्या 10 से 24, 30 से 60, या 80 से 180, या 220 से 600। तो जी हाँ, 220 से 600। फ्रेंड्स इसकी बात करें हम लोग ग्रेन साइज की, तो आपका 4 कैटेगरी में पाया जाता है फ्रेंड्स, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो फ्रेंड्स यदि कोर्स की बात करें तो आपका 10 से 24 हो जाएगा, मीडियम की बात करें तो 30 से 60 हो जाएगा, और फाइन की बात करें तो आपका 80 से 180 हो जाएगा, और वेरी फाइन की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 220 से 600 हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटेरियल इज हाईली ब्रिटल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक भंगुर है, क्या कॉपर है, लेड है, कार्बन स्टील है, या कास्ट आयरन है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका ब्लैक रखा जाता है। यदि एसिटिलीन की बात करेगा फ्रेंड्स तो आपका लाल रखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SW इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, मतलब कि SWG का प्रयोग किया जाता है। SWG की बात करें फ्रेंड्स इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पूछा जा रहा है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फ्रेंड्स कि थिकनेस ऑफ सीट, मतलब कि चादर की मोटाई मापने के लिए इसको प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बेंट इनटू यू शेप, मतलब कि निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है, क्या कास्ट आयरन बार, जी नहीं क्योंकि बहुत सारा बहुत ज़्यादा भंगुर है, माइल्ड स्टील, जी हाँ ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंक्रीट बार, जी नहीं ये भी नहीं हो सकता है, ऑल ऑफ दीज ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड, इसलिए हम लोग बी की तरफ जा सकते हैं, यानी माइल्ड स्टील को हम लोग यू शेप में मोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विच इज द जनरल अप्लाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑफ टू मीटिंग पार्ट्स, मतलब कि दो युग्मों की सतह को समतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, क्या पर्शियन ब्लू, पेनिट्रेट, A+B, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ यहाँ पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जी हाँ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आप जैसा कि जानते हैं कि 0.02 मिलीमीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट, तो ये आपका सॉलिड लुब्रिकेंट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द बुश बियरिंग इज जनरली मेड ऑफ, मतलब कि बुश बियरिंग का आमतौर पर बुश किसका बना होता है, तो आपका फ्रेंड्स आपका ब्रॉन्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिलीमीटर स्केल इन माइक्रोमीटर मार्कडाउन, मतलब कि एक माइक्रोमीटर मिलीमीटर जो स्केल होता है कहाँ अंकित किया जाता है, क्या स्पिंडल पर, रैचेट पर, थिम्बल पर, या बैरल पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरल पर अंकित किया जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूछा कि द डायमीटर ऑफ होल इज मेजर बाय, मतलब कि एक छिद्र का व्यास मापना है तो किससे माप सकते हैं, क्या डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ इनसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग माप सकते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर से नहीं माप सकते फ्रेंड, क्योंकि डेप्थ माइक्रोमीटर से हम किसी होल को डेप्थ को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है फ्रेंड्स कि द लीस्ट काउंट ऑफ बेवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपका बेवेल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका 1 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर, ध्यान से देखिएगा, नॉट यूज्ड मतलब कि कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, कटिंग में, ट्विस्टिंग में, हैमरिंग में, या होल्डिंग में। तो जी हाँ हम लोग हैमरिंग में इसका प्रयोग नहीं करते फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अ टैप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ वर्क पीसेस, दिस ब्रोकन टैप कैन बी रिमूव बाय यूजिंग, मतलब कि संपर्क सतह
से एक टेप टूट गया है, इसे टूटे हुए टेप को बाहर निकालना है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पंच का, या कैलिपर का, या टैब एग्जिस्टर का, या वेल्डिंग का? तो हम यहाँ पंच का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। यदि टैब एग्जिस्टर की बात किया जाए तो जब टैब मेरा ड्रिल होल से अंदर टूटता है फ्रेंड्स, तो वहाँ हम लोग टैब एग्जिस्टर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया द चूज मोस्ट अपसेट आंसर सॉरी डिजरेबल हार्डनेस इज फाइल इज जनरली, मतलब कि किसी फाइल का वांछनीय कठोरता कितना रखा जाता है, 20 HRC, 60 HRC, 80 HRC, या 30 HRC? तो जी हम लोग यहाँ 60 HRC उसको रखा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉकिंग ऑफ बोल्ट, मतलब कि बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वायर का, डिस्क वॉशर का, नट का, या स्पाइनर का? जी हाँ हम लोग स्पाइनर का वहाँ उसका यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इट इज अ स्मॉलर टू अ स्क्रू बट इट हैज नो हेड एंड इट हैज थ्रेड ऑन द बोथ एंड्स, सेंटर पोर्शन हैज नो थ्रेड, इट इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मतलब कि यह एक पेज का समतुल है, इसका कोई सिरा नहीं है, सही है, और इसके दोनों ओर थ्रेड काटा हुआ है, लेकिन बीच का भाग में थ्रेड नहीं, यानी बीच का भाग को प्लेन रखा गया है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या डी स्पेनर बोल सकते हैं, नट बोल सकते हैं, या बोल्ट बोल सकते हैं, या स्टड बोल सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टड हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट इज नॉट अ लैपिंग कंपाउंड, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा लैपिंग कंपाउंड नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन कार्बाइड, अल्मोनियम ऑक्साइड, आयरन कार्बाइड, या ब्रोन कार्बाइड? तो जी हाँ मेरा सिलिकॉन कार्बाइड भी लैपिंग कंपाउंड है, अल्मोनियम ऑक्साइड भी है, और ब्रोन कार्बाइड है। तो फ्रेंड इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन कार्बाइड जो है मेरा लैपिंग कंपाउंड नहीं है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि फिलर गेज इज टू चेक, मतलब फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है क्या, गैप मापने के लिए, लेंथ मापने के लिए, या डेप्थ मापने के लिए, या व्यास मापने के लिए? तो फ्रेंड इसका हम लोग यूज करते हैं गैप को मेजर करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटिंग कटिंग टूल मटेरियल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है, क्या HHS, या टंगस्टन कार्बाइड, या सिरेमिक, या रॉट आयरन? तो फ्रेंड मेरा रॉट आयरन है, जिसका प्रयोग हम लोग कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इन डिग्री, मतलब कि मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड कोण का एंगल कितना रखा जाता है, क्या 60 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, या 75 डिग्री? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होता है आपका 60 डिग्री रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है, क्या SS इतना, या कार्बन स्टील, या अलॉफ दीज? तो फ्रेंड्स जो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि गाइड पिन इज कॉल्ड, यानी गाइड पिन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या डॉल पिन, हॉलो पिन, या स्प्लिट पिन, या टैप पिन? तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि गाइड पिन जो होता है मेरा सरफेस गेज में होता है, जिसके हम लोग किसी भी बार के ऊपर उसके सहायता से हम लोग स्क्राइबिंग कर सकते हैं या करते हैं, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टैब पिन हो जाएगा, बट आप एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील इज जनरली मेड फ्रॉम आयरन, यानी स्टेनलेस स्टील जनरली आपको आयरन से बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, क्या क्रोमियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, या हीलियम होता है? तो फ्रेंड्स हमें तो लगता है यहाँ क्रोमियम देना चाहिए था, आयरन नहीं देना चाहिए था, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी शायद इसका भी आंसर क्रोमियम ही होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, यानी जो एसिटिलीन होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्या CH4 होता है, C2H2 होता है, C6H6 होता है, या
सी ओ होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C2H2 होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट 4 बाई 5 इंटू डेसिमल, मतलब कि 4 बाई 5 का आप डेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका 0.8 आएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चूज मोस्ट अप्रूट ऑप्शन फॉर्मूला ऑफ PSI, क्या है PSI। तो फ्रेंड PSI में आपका सही सुनना है जैसा कि दिया गया कि पर स्क्वायर इंच, यानी पर स्क्वायर इंच दे दिया, यानी पी का मतलब पूछ रहा है। फ्रेंड्स जैसा कि PSI का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाउंड हो जाएगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये था हम लोग के पिछले NPSEL के प्रीवियस। फ्रेंड्स यदि आई होप कि आप लोग के पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड